27 जुलाई सोमवार को फ्रांस से 5 रफाल विमान उड़े थे जो 29 जुलाई बुधवार को भारत के अंबाला शहर में उतरे। पूरे भारतीय मीडिया की नजर इन विमानों पर थी, लेकिन इसकी पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। ये साल 2000 के अगस्त महीने की बात है। कारगिल की जंग खत्म हुए एक साल हो चुका था। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया कि उसे 126 मिराज 2000 सेकंड फाइटर जेट्स की जरूरत है। वो इसलिए ताकि लड़ाकू जहाजों की कमी को पूरा किया जा सके। और इससे भी बढ़कर बात ये थी कि भारतीय वायुसेना को लगता था कि मिराज एक सफल युद्धक और मल्टी रोल फाइटर जेट है। 3 साल बाद जनवरी 2004 के करीब इस प्रस्ताव को मिनिस्ट्री ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम साल 2004 की कहानी पर बाद में फिर वापस आएंगे। अब 29 जुलाई 2020 की बात करते हैं। 29 जुलाई को फ्रांस में बने हुए 36 रफाल जेट्स खरीदने के सौदे में से पहले 5 जहाज अंबाला आए थे। इस दिन अपने बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इन विमानों का आगमन हमारे सैन्य इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रफाल जेट्स केवल इस वजह से खरीदे जा सके क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ दोनों देशों की सरकारों के बीच सीधा समझौता करने का एक सही फैसला किया था। इससे पहले इनकी खरीदारी लंबे वक्त से लंबित थी। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान में कई पहलुओं के जवाब नहीं मिलते। आखिर किस तरह से महज 36 रफाल जेट्स 2 दशक पुरानी 136 फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? सरकार कब इस कमी को आखिर पूरा कर पाएगी? दिसंबर 1998 से दिसंबर 2001 तक वायुसेना प्रमुख रहे एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस बताते हैं, हमें ये लग सकता है कि 2 स्क्वाड्रन एक बड़ी चीज है, लेकिन हमारे लंबे बॉर्डर्स को देखते हुए ये कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे पास रफाल के कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्रन होने चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि रफाल चीनियों के पास मौजूद हर चीज से बढ़कर हैं, उनके लिए टिपनिस कहते हैं, चीन के पास शायद इतने अच्छे प्लेन ना हो, लेकिन उनके पास संख्या है और ये चीज मायने रखती है। आखिरकार प्लेन केवल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हथियार होते हैं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक अन्य पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बताया, वायुसेना के लड़ाकू जहाजों की संख्या तेजी से गिरकर 40 स्क्वाड्रन से 30 पर आ गई है। हर स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं जबकि हमारा दुश्मन देश आक्रामक तरीके से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। मिग 21 रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद मिग 27 रिटायर हो जाएंगे, फिर जगुआर का नंबर आएगा। इस मुकाबले वायुसेना के पास नए जहाज नहीं आ पा रहे। हालांकि भले ही स्क्वाड्रन की संख्या घट रही हो, लेकिन जब रफाल जैसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं तो क्या हमें इतना चिंतित होने की जरूरत है? वो कहते हैं, ज्यादा प्लेन और ज्यादा ताकतवर प्लेन एक डेटरेंट की तरह काम करेंगे। भारत टकराव को टालना चाहता है, लेकिन अगर हमारी डेटरेंस या सैन्य ताकत घटती रहेगी तो एक दिन हमारे विरोधी एक टकराव के जरिए चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए लालायित हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हम पर एक जंग थोपी जा सकती है। उन्होंने बताया कि ये सोचना कि केवल लड़ाकू जहाज की संख्या ही घट रही है, ये भी गलत है। उन्होंने एयर टू एयर रिफ्यूलर्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स गिनाए जिनकी संख्या भी बेहद कम रह गई है। वो कहते हैं कि हम इनकी खरीदारी के लिए 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी कोसों दूर है। रफाल से IAF को रणनीतिक फायदा मिलता है, लेकिन ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि भारतीय वायुसेना की क्षमता गिर रही है। कईयों का मानना है कि देश पहुंचने वाले 5 रफाल जेट्स ही रणनीतिक लिहाज से एक बेहतर मारक क्षमता मुहैया कराते हैं। एयर मार्शल SB देव IAF के उप प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं। वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों कमानों की अगुवाई कर चुके हैं। वो कहते हैं कि यहां तक कि ये 5 जेट्स भी पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं और ये हमारी क्षमताओं को काफी बढ़ाएंगे, साथ ही हमारी टेक्टिकल बढ़त में भी इजाफा करेंगे। उनकी चिंता घरेलू मोर्चे को लेकर ज्यादा है। वो कहते हैं कि मीडियम कैटेगरी में एक आधुनिक फाइटर ना बना पाना चिंताजनक है। मीडियम कैटेगरी का मतलब तेजस जैसा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी घरेलू एजेंसियां इस मामले में कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही। अब तक अगली पीढ़ी के सेल्फ मेड फाइटर के हमारे डिजाइन फाइनलाइज हो जाने चाहिए थे और इन पर काम शुरू हो जाना चाहिए था। हम इन कोशिशों में कहां खड़े हैं? पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने साफ तौर पर कहा था कि फाइटर प्लेन्स को इम्पोर्ट करने के वो ज्यादा पक्षधर नहीं है। CD बालाजी से बेहतर शायद ही कोई सवाल का जवाब दे पाए। बालाजी एक नेवी कोमोडोर रहे, बाद में उन्होंने रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तहत आने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की अगुवाई की। वो कहते हैं कि घरेलू या स्वदेशी कोशिशों की अगर हम बात करें तो इसके दो पहलू रिसर्च और प्रोडक्शन हैं। पहले रिसर्च की बात करते हैं। भारत का अगली पीढ़ी का फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका प्राथमिक डिजाइन तैयार है और पिछले करीब 5 साल से हम केंद्र सरकार से फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स की इसमें दिलचस्पी नहीं है या सरकार इसमें आगे नहीं आ रही, लेकिन तथ्य अपनी कहानी खुद बयां कर देते हैं।
वो बताते हैं कि इससे हमारी कोशिशों पर बुरा असर होता है। टेक्नोलॉजी गैप पैदा हो जाता है और हमें इस गैप को भरने के लिए डिजाइन को अपडेट करते रहना पड़ता है। उत्पादन के पहलू के बारे में वो कहते हैं कि HAL के जरिए ज्यादा संख्या में तेजस जेट्स बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। साल 2016 में रक्षा मंत्रालय ने भारत के अपने फाइटर जेट्स हासिल करने की डील को मंजूरी दी थी। इसके जरिए 83 LCA तेजस MK-1A जेट का सबसे एडवांस वर्जन बनाने थे। अभी तक ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया है। एक स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए भी इतनी देरी का मतलब समझ से बाहर है। कोई भी एयरफोर्स अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और महंगे एसेट्स में निवेश की मांग करती है, लेकिन IAF इन्हें हासिल करने की हैसियत में नहीं है। रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो डॉक्टर लक्ष्मण कुमार बहरा कहते हैं, गुजरे कई सालों में आर्मी, नेवी और वायुसेना के आधुनिकीकरण पर बुरा असर पड़ा है। वायुसेना में सबसे ज्यादा पूंजी लगती है, ऐसे में इस पर सबसे ज्यादा चोट पड़नी तय है। उनका विश्लेषण बताता है कि प्रतिबद्धता वाले खर्च और सेनाओं के लिए उपलब्ध फंड्स के बीच अंतर पिछले कई सालों से बढ़ रहा है। साल 2018-19 में करीब 33% था और 2019-20 में 29% रहा। अगस्त 2000 और जनवरी 2004 के बीच मिराज 2000 के IAF के प्रस्ताव और मंत्रालय के इसे खारिज किए जाने की कहानी क्या है? सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि वायुसेना ने न केवल एक या दो बल्कि तीन बार मंत्रालय को 126 मिराज 2000 सेकंड जेट खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश की थी। रफाल जेट्स का उस वक्त जिक्र करते हुए भारतीय वायुसेना ने तर्क दिया था कि किस तरह से मिराज 2002 न केवल सस्ते साबित होंगे बल्कि ये अत्याधुनिक भी हैं। उस वक्त की सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। काफी पुराने वाक्य की याद अब शायद ही किसी को हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इसे भुला दिया है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बताया, हमने 126 फाइटर जेट्स हासिल करने के लिए 15 साल लगा दिए। तब एक दिन हमें बताया गया कि हमें केवल 36 जेट्स मिलने वाले हैं। इसमें भी 5 से 6 साल का वक्त लगेगा और आज केवल 5 जेट आए हैं और उनके आने पर हम खुशी से बल्ली उछल रहे हैं। लेकिन क्यों?